टीएमसी सांसद और बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां की 2019 में बिजनेसमैन निखिल जैन संग तुर्की में शादी हुई थी। नुसरत ने खुद अपनी शादी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया था, लेकिन अब एक्ट्रेस का कहना है कि उनकी शादी मान्य नहीं है। दरअसल पिछले कुछ समय से नुसरत और निखिल के बीच में अनबन की खबरें आ रही थी। निखिल ने बताया कि वो 6 महीने से साथ में भी नहीं है। इसी सबके बीच नुसरत की प्रेगनेंसी की खबरों ने भी तुल पकड़ा, जिस पर निखिल ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है और अगर नुसरत प्रेग्नेंट है तो भी वो बच्चा उनका नहीं है। Look, I mean, those are legalities and from what, like whatever she's written, I don't really want to comment on that because the matter is sub judice in court. I have filed a civil suit in the court regarding this matter and so therefore I will not comment anything on that matter till the matter is in court. I mean, yeah, we've been separated. Yes, since? We've been separated since November last year. November. अब नुसरत जहां ने इस मसले पर बयान जारी किया है, उन्होंने कहा, एक विदेशी भूमि पर होने के कारण तुर्की मैरिज रेगुलेशन के अनुसार शादी अमान्य है। इसके अलावा क्योंकि ये एक इंटरफेथ मैरिज यानी दो धर्मों के लोगों के बीच में हुई शादी थी, इसलिए भारत में इसे वैधानिक मान्यता देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कानूनी तौर पर यह शादी वैलिड नहीं है बल्कि एक रिलेशनशिप या फिर लिव इन रिलेशनशिप है, इसीलिए तलाक का सवाल ही नहीं उठता। हम बहुत पहले ही अलग हो गए थे, लेकिन मैंने इसके बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं अपने प्राइवेट लाइफ को अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। हमारी कथित शादी कानूनी रूप से वैध और मान्य नहीं है और ये कानून की नज़र में शादी को बिल्कुल भी नहीं है। नुसरत और निखिल के बीच में तनाव गहराता जा रहा है। निखिल ने केस भी दर्ज कराया है। निखिल का कहना है कि नुसरत मेरे नहीं किसी और के साथ रहना चाहती हैं। इस सब के बीच नुसरत के पॉपुलर एक्टर यशदास गुप्ता संग अफेयर्स की खबरों को भी हवा मिल रही है। खबरें हैं कि दोनों पिछले साल दिसंबर में राजस्थान ट्रिप पर गए थे। यहां से दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी। इस पूरे मसले पर यशदास गुप्ता की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। यशदास गुप्ता बीजेपी के नेता हैं तो नुसरत टीएमसी के सांसद हैं। बता दें कि नुसरत जहां ने 2011 में बंगाली फिल्म शॉर्टू से डेब्यू किया था, उसके बाद वह स्क्रीन पर जम गईं। अब तक वह 2 दर्जन फिल्मों में काम कर चुकी हैं और कई अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। नुसरत जहां ने साल 2010 में ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। नुसरत ने फिल्म शोत्रु से डेब्यू किया था। नुसरत जहां खोखा 420, खिलाड़ी और सोंधे नमार आगे जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। नुसरत जहां बीते साल 19 जून 2019 को कोलकाता के बिजनेसमैन निखिल जैन से शादी की थी। यह शादी तुर्की के शहर इस्तांबुल में 2 तरह की रीति रिवाजों के साथ पूरी हुई थी। पहले उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की, फिर क्रिश्चियन रीति रिवाज से एक दूसरे को हमसफर चुना। शादी के 1.5 महीने बाद नुसरत और निखिल हनीमून मनाने गए थे। ऐसा भी कह सकते हैं कि जब से वह सांसद बनी है तभी से वह सुर्खियों में है। सांसद बनने के बाद शपथ लेने पहुंची नुसरत जहां साड़ी और मंगलसूत्र पहने नजर आई थी। इस पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उनकी आलोचना भी की थी। उसके बाद हनीमून पर शॉर्ट ड्रेस पहने फोटोज भी कई वायरल हुए थे। अब ये खबरें सबको चौंका रही है कि नुसरत निखिल से अलग हो रहे हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।